कल किसी ने मेरे साथ फिरकी ले लिया। सिट यार, मैं भी पागल जैसा काम करता हूँ। यह है हमारा इंडिया, हर एक जगह में आपको हर एक कुछ ना कुछ नया चीजें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने मंगाया फाफड़ा, और देखो इधर का ये कल्चर है, जैसे औरतें जितनी भी औरतें, वेलकम टू दीव। दमन एंड दीव जो है ये पोर्तुगीज के कंट्रोल में था। 1961 में इंडियन आर्मी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया 11 अगस्त को, ऑपरेशन विजय। टुडे इज द 6th डे ऑफ दिस वेस्ट इंडिया राइड, और अभी फिलहाल मैं दीव से लगभग 72 किलोमीटर पीछे हूँ। और आज का क्या प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आज का प्लान है कि आज फिलहाल आपको दीव एक्सप्लोर करवाना है, बट अभी का जो व्यूज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अभी टाइम हो गया है 6:55, और 6:55 में कुछ ऐसा नज़ारा है, देखो ऐसा लग रहा है कि 4 बज रहे सुबह के, 4:30 उस टाइप का नज़ारा है। तो ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है अभी फ़िलहाल मैं एकदम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हूँ, इंडिया के एकदम वेस्ट एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में। जैसे जैसे ईस्टर्न पार्ट्स में जाते हैं वैसे वैसे सनराइज़ जल्दी होता है, और जैसे जैसे वेस्टर्न पार्ट में जाते हैं वैसे वैसे सनराइज़ लेट होता है। बट ईस्टर्न पार्ट में सनसेट जल्दी होता है, और वेस्टर्न पार्ट में मीन्स इस साइड में सनसेट लेट से होता है। तो ये चीज़ है, इसीलिए अभी 7 बजे भी अंधेरा है, और अभी फ़िलहाल फटाफट निकलते हैं यहाँ से 72 किलोमीटर कवर करते हैं और दीव एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद आगे आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और यार मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया कि कल किसी ने मेरे साथ फिरकी ले लिया। जी हाँ भाई, फिरकी ले लिया। अब देखो मैं बोल रहा था मेरा ग्लव्स चोरी हो गया या गुम हो गया पता नहीं, तो ये देखो मेरे हाथ में ग्लव्स है। कैसे है, मेरा बाइक में ग्लव्स रखा हुआ था मीन्स ऊपर में मीटर के वहाँ पे, तो किसी ने क्या किया मेरा मैट के अंदर घुसेड़ के रख दिया मेरा ग्लव्स को। बताओ, मैं गया था घूमने फिर आया देख रहा ग्लव्स गायब है, फिर आज जैसे मीन्स कल रात जैसे मैट खोला तो पता चला ग्लव्स मैट के अंदर है। थक लाइफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान। ठीक है भाई, चलिए तो चलो यहाँ से दीव 72 किलोमीटर फटाफट मारते हैं। सुबह के 7:10 हो गया है, तो मैं और जल्दी सोचा था निकलने का, लेकिन फिर भी अंधेरा था तो मैं सोचा ऐसे भी मतलब सब कुछ ब्रश संडास सब कुछ मैंने कर लिया इस बार। और दीव पहुंचने का टाइम दिखा रहा 1:32 यानी कि 8:51 AM। और देखो किसी ने इतना ख़राब फिरकी लिया कि कल मुझे बिना ग्लव्स का चलना पड़ा था दिन का टाइम। और देखो यहाँ पे कल बहुत से डाइवर्सन देखने मिले, बहुत से ऐसे डाइवर्सन देखने मिले। ऐसे तो रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, डाइवर्सन के बावजूद भी इतना बढ़िया से आप चल सकते हैं। बट ठीक है यार, ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये भी 4 लेन हो जाएगा आने वाले टाइम में। दीव का जो एक्चुअली यूनियन टेरिटरी वो है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो उसके बारे में बाद में बताएंगे, पहुंच के बताएंगे। बट अभी फिलहाल आप इतना जान लो कि हम लोग यूनियन टेरिटरी भी कवर कर लेंगे आज। आज का प्लान ये है कि सबसे पहले दीव एक्सप्लोर करेंगे, दीव एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल जाएंगे दीव से और चलेंगे द्वारका की ओर। उसी बीच सोमनाथ मंदिर भी आएगा, सोमनाथ मंदिर भी विजिट करना है, और सोमनाथ मंदिर विजिट करके फिर द्वारका की ओर पड़ेंगे। भाई कल रात को बहुत सारे विंड मिल्स नज़र आ रहे थे पीछे में, बहुत ज़्यादा। वैसे हवा तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा, विंड यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, मगर विंड मिल्स यहाँ पे नहीं है। सिट यार, मैं भी पागल जैसा काम करता हूँ, मैं मैप में बिना देखे चले जा रहा था जहाँ से निकला वहीं से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर के आसपास में इधर आ गया, मीन्स जिधर से कल आया था उधर ही आ गया, मीन्स दीव जाने का ऑपोजिट डायरेक्शन 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया। बताओ 10-10, 20 किलोमीटर और 20 मिनट का समय बर्बाद करके हम वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां से आज की राइड की शुरुआत हुई थी। और अभी फिलहाल टाइम हो चुका है 7:31 AM। अब जैसे दीव की ओर जितना ज़्यादा जल्द बढ़ते जा रहा हो उतना ज़्यादा रास्ता ख़राब होते जा रहे हैं। भाई जितना मैं इधर आ रहा हूँ पूरा लैंडस्केप डिफरेंट होते जा रहे एकदम, मीन्स पीछे साइड जो था वो वेजिटेशन वाले थे,
थोड़ा ड्राई भी थे, और इस साइड में देखो थोड़ा टापू टापू टाइप के है, छोटा सा हिल टाइप के, हल्का हल्का छोटा छोटा हिल टाइप के है, तो बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही सुंदर। यह है हमारा इंडिया, हर एक जगह में आपको हर एक कुछ ना कुछ नया चीज़ें देखने को मिलेगा। सेमी ड्राइड रीजन जो होता है जिसमें इस टाइप के थोड़े कांटेदार पेड़ रहते हैं हल्के फुल्के, वो वाला देखिए वो वाला रीजन आ गया है। फिलहाल अभी भी हम लोग गुजरात में ही, और इधर का घरों का स्ट्रक्चर देखो काफ़ी डिफरेंट है, मीन्स ईटा भी बहुत ज़्यादा, ईटा नहीं पत्थर से शायद बनाया गया है, और स्ट्रक्चर काफ़ी अलग से, काफ़ी अलग से एकदम अलग ही सा वाइब दे रहा है इस साइड का। उफ चल उठ मुसाफिर घूमता फिर, तू देख जरा इन चीज़ों को, तू देख इन सारे कल्चर को, तू देख इन सारे ट्रेडिशन को। जब तक राय, जब मेरा मुंह से गाना निकला, पूरा हंसते खिलते आवाज़ निकली, आप समझो कि राइड इंजॉय हो रही है पूरा नेक्स्ट लेवल वाली। अब जाके नारियल के पेड़ मिले, और मिले तो देखो कितना गजब के मिले एक साथ। ऐसे तो अभी 8:10 हो रहे हैं, लेकिन 7:45 के आसपास जाके उधर सनराइज़ हुआ था। अच्छा, इधर के कुछ इस टाइप के ऑटो जिसमें लोगों का बैठ के आना जाना होता है, वन ऑफ द ट्रांसपोर्ट मोड दिस साइड की, गजब है भाई। यहाँ पे भी अभी भी बैलगाड़ी, और देखो ये वाला इस टाइप का बैलगाड़ी मैं आपको बताऊँ कहाँ मैंने देखा है, हाँ विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में मैंने इस टाइप का बैलगाड़ी देखा है। कि अरे ऑटो भटभटिया रहे हो, ले इस ऑटो का स्ट्रक्चर भी देखना कितना गजब रहेगा। ये देखो गजब, ये देखो मतलब एकदम टोटली डिफरेंट वाइब है। भैया क्या है खाने में? गाठिया। ये फाफड़ा। तो यार गुजरात में आए तो गुजरात का लोकल डिश नहीं खाया तो क्या खाएगा, तो यहाँ पे मैंने मंगाया फाफड़ा। फाफड़ा 50 ग्राम 20 रुपया, 100 ग्राम 40 रुपया, अभी पहले 50 ग्राम ही मंगाया, खाते हैं देखते हैं कैसा है। तो देखिए कुछ इस टाइप का है, पहले फाफड़ा है, इधर चटनी है, और इधर कुछ है क्या है पता नहीं, शायद सब्जी कुछ है, मिर्ची प्याज। तो चलो यहाँ से निकलते अब फटाफट, अभी कितना टाइम हो गया है, 8:57। यही मैंने अभी अपना सारा लोकेशन डाल दिया है, जो जो जगह घूमना है लिस्ट वाइज। ये देखो यहाँ की जनता, और अभी रास्ता ऐसे ख़राब ही मिलने वाला है, क्योंकि 24 किलोमीटर को 40 मिनट बता रहा है गूगल। तो जैसे जैसे दीव के करीब पहुंचने जा रहे हैं, वैसे वैसे रास्ता ख़राब होते जा रहे हैं। हम पहुंच गए ऊना, अब ऊना से लेते लेफ्ट कट जाएंगे दीव की ओर। यार ये रास्ता थोड़ा ख़राब होएगा लग रहा है। ये ऊना शहर भी ठीक ठाक बड़ा सा शहर है, बढ़िया सा है, मीन्स बड़ा इन द सेंस कि थोड़ा मार्केट है, मीन्स एकदम रूरल एरिया टाइप का वाला भी नहीं बोल रहा हूँ, और एकदम बहुत ज़्यादा मीन्स हाईफाई भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ठीक है। और देखो इधर का ये कल्चर है, जैसे औरतें, जितनी भी औरतें चाहे किसी भी एज का आप देख लो, सब मुंडी में कपड़ा ढके रहेगी, और इधर का मीन्स कपड़ा पहनने का जो स्टाइल है, मीन्स चूज़ करने का स्टाइल, वो थोड़ा अलग है मीन्स दूसरा साइड से। ये है गुजराती ट्रेंड। अब ये रोड देख के लग रहा भाई हम लोग जा रहे दीव की ओर, वो वाला वाइब आने लगा अब, क्योंकि दीव बस 10 किलोमीटर ही है, और इधर में रोड के साइड साइड तक पानी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। देखिए पानी पूरा इधर है, बहुत सही भाई, बहुत सही। पूरा समुंदर के किनारे हम लोग पहुँचे हुए, हमारे लेफ्ट साइड में बस, मैं थोड़ी सी इधर ही लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो समुंदर मिल जाएगा हमें। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया भाई, लाइक आप
पूरी भुवनेश्वर चल जाओ या उधर विजयवाड़ा, वो विजयवाड़ा तो खैर हाँ थोड़ा इधर हो गया, आप विशाखापट्टनम चल जाओ या तो फिर चेन्नई तरफ चल जाओ, उधर बहुत ज़्यादा नारियल के पेड़ मिलेंगे, बहुत ज़्यादा नारियल के पेड़। एज कम्पेयर टू देट इस कोस्टल एरिया में थोड़ा कम नारियल के पेड़ देखने को मिल रहे, क्योंकि एकदम करीब पहुँच चुके हैं और फिर भी नारियल के पेड़ उतना नज़र नहीं आ रहे हैं। उधर मुझे क्या देखने को मिल रही है सामने ये सारे चीजें होती है एडवेंचरस एक्टिविटीज यहाँ पे दीव में, वो देखो हॉट बैलून शायद। फाइनली वेलकम टू दीव, दमन एंड दीव वेलकम्स यू। यहाँ पे खड़ा होके एक फोटो तो क्लिक करवाना है भाई तो चलो इधर दीव इंटर कर जाते हैं, उसके बाद रुक के बताते हैं। सो या वेलकम टू दीव। हाँ हाँ तो अभी फ़िलहाल हम दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी में इंटर कर चुके हैं, एक और नया यूनियन टेरिटरी हम इंटर कर चुके हैं और ये वेस्ट इंडिया राइड की पहली यूनियन टेरिटरी मीन्स एक ही यूनियन टेरिटरी होने वाली है इस वेस्ट इंडिया राइड में और इंटर कर चुके हैं। अब इस दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के बारे में बताते हैं। तो देखिए दादरा एंड नगर हवेली जो है वो एक अलग यूनियन टेरिटरी था एंड दमन एंड दीव एक अलग यूनियन टेरिटरी था, बट जनवरी 2020 को ये दोनों यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया और बना दिया गया दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड देवी दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी। अब ये जो यूनियन टेरिटरी है अब देखो इस यूनियन टेरिटरी का कैपिटल है दमन और ये दमन दीव दादरा नगर हवेली सारा एक अलग अलग मीन्स अलग अलग जगह में बेस्ड है, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग एरिया है और सारा जगह को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और ये दीव एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड आप कह सकते हैं। अब दीव के बारे में बाद में बताते हैं, पहले दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के बारे में बताते हैं। तो देखिए दमन एंड दीव जो है ये पोर्तुगीज के कंट्रोल में था 1520 के आसपास से पोर्तुगीज ने इस जगह पे कब्जा कर लिया था और अपना कॉलोनी बसाना स्टार्ट कर दिया था। फिर 1961 में इंडियन आर्मी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया 11 अगस्त को ऑपरेशन विजय, जिसमें हमें इंडिपेंडेंस मिल गई इस दमन एंड दीव से भी। तो दमन एंड दीव भी पोर्टुगीज कंट्रोल में था, जैसे ब्रिटिशर्स कंट्रोल में पूरा इंडिया था वैसे दमन एंड दीव जो ये पार्ट है ये पोर्टुगीज कंट्रोल में था, बट ऑपरेशन विजय के बाद 11 अगस्त 1961 के बाद से ये दमन एंड दीव जो यूनियन टेरिटरी है ये भी इंडिया के कंट्रोल में आ गई। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते चलते रास्ते में आपको दीव के बारे में बताते हैं।